गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे स्टार्ट विद इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। ऑब्वियसली वी टेक एक्स इज इक्वल टू ए इन फर्स्ट, द पावर सीरीज रिड्यूस टू ए सिंगल टर्म सी नॉट व्हेन एक्स इज इक्वल टू ए। व्हेन वी पुट इन द पावर सीरीज एक्स इज इक्वल टू ए, पावर सीरीज इज दिस सी एम एक्स माइनस ए की पावर एम, m is equal to 0 to infinity. This is the power series. In this power series, we take x is equal to 1. x is equal to a. x is equal to a रखते ही आपके पास a minus a क्या हो जाएगा? 0. तो ये क्या हो जाएगा? यहां से कह सकते हो आप cm क्या हो जाएगा आपका? 0। तो कहते हैं देन द पावर सीरीज, जब आप m की वैल्यू 0 रखेंगे, ये सारी पावर्स इसकी पुट करते जाएंगे, पावर सीरीज रिड्यूस टू ए सिंगल टर्म सी नॉट। तो ओनली पावर सीरीज एक सिंगल टर्म में ही रिड्यूस हो जाएगी। पहले आप m की वैल्यूज रख लीजिए, 0, 1, 2 अप टू सारी, फिर आप x को क्या रख लेंगे? 1 रख लेंगे। देन आपकी ये किस में रिड्यूस हो जाएगी? एक सिंगल टर्म में रिड्यूस हो जाएगी। दिस क्लियरली द पावर सीरीज इज क्या हो जाएगी? आपकी कन्वर्जेंट। वो आपकी पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी x इज इक्वल टू a पर। समटाइम्स इट मे हैपन्स दैट इट इज ओनली वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट। इफ देयर आर अदर वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट, कुछ और भी वैल्यूज हो सकती हैं, देन दीज वैल्यूज फॉर्म एन इंटरवल। जो आपकी ये वैल्यूज कहलाएंगी बेटा, वो क्या कहलाएंगी? इंटरवल कॉल्ड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। जिस जिस वैल्यूज पे आपकी पावर सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी, वो क्या कहलाएंगी? आपकी इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, विच इज हैविंग द मिड पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए। जिसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू ए। इन अदर वर्ड्स, सीरीज कन्वर्जेंट, सीरीज कैसी हो जाएगी आपकी? कन्वर्स करेगी। कहां पे? फॉर ऑल एक्स की वैल्यूज के लिए। देन सच दैट मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन किससे हो जाएगा? कैपिटल आर से। हियर कैपिटल आर इज रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। द क्वांटिटी कैपिटल आर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस, फॉर द फॉर्मूला ऑफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन द टर्म ऑफ द कोफिशियंट ऑफ सीरीज इज गिवन। आपके पास इसका फॉर्मूला गिवन है, इंटर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का, 1/r इज इक्वल टू लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ सी एम प्लस 1/ में सी एम, और 1/r इज इक्वल टू लिमिट एम टेंस टू इन्फिनिटी एम अंडरूट ऑफ क्या आ जाएगा? मोड ऑफ सी एम। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस मे बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो आपका बेटा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है, वो फाइनाइट भी हो सकता है और आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है। ओके, अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले कंसिडर द पावर सीरीज, पावर सीरीज का एक एग्जाम्पल करते हैं हम। सबसे पहले आपके पास ये गिवन है स्टेटमेंट, समेशंस m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3m का फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल का क्यूब इंटू में x रेज टू m। अब आपने बेटा इसका फॉर्मूला पढ़ा था, किसका? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का। क्या था आपके पास? 1/r इज इक्वल टू क्या था? लिमिट्स m टेंस टू इन्फिनिटी सी एम प्लस 1/ में सी एम का मोड। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? अपनी सारे इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। क्या आ जाएगा आपके पास? लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी। अब आपके पास जो गिवन है ना बेटा, ये स्टेटमेंट जो गिवन है, हमें x रेस टू m का कोफिशियंट लेना है यहां से। तो आप क्या करेंगे? जहां भी m है वहां पे m प्लस 1 रखेंगे, क्योंकि हमें cm प्लस 1 बनाना है। तो कोफिशियंट ऑफ m प्लस 1 मीन्स आप क्या करेंगे? यहां पे जो भी cm की वैल्यू है ये निकालेंगे यहां से। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ये सारी क्वांटिटी देखो, आप इसका फॉर्मूला पुट कर रहे हो, क्या आएगी? लिमिट तो एज इट इज लगाएंगे हम। ओके, नेक्स्ट क्या करेंगे? जहां पे भी आपकी m है वहां m प्लस 1 रख दें, तो ये मेरा क्या बन जाएगा? 3m प्लस 3, क्योंकि 3m प्लस 1 रखोगे, फिर इसका क्या करेंगे हम? फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगी आपकी? यही टर्म,
ये वाली एम प्लस वन का फैक्टोरियल, फिर इसका आप क्या लेंगे क्यूब। ओके नेक्स्ट, इसी टर्म को मुझे क्या करना है, सीएम इसके नीचे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगी इसको अपोजिट कर दूंगी। अपोजिट करके मेरे पास ये वाली जो टर्म है ये तो ऊपर जाएगी एज इट इज, एम फैक्टोरियल का क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 3m का फैक्टोरियल। ओके अब इस इनमें से कुछ टर्म्स आपको रिमूव भी करनी पड़ेंगी। आप इसे खोलेंगे पहले क्या बनेगी आपकी 3m प्लस 3 का फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास m प्लस 1 का की 3 पावर, और एक नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी m फैक्टोरियल की पावर 3। ओके देखिए नेक्स्ट, लिमिट m टेंस टू इन्फिनिटी आप इसे रिड्यूस कर देंगे, लेफ्ट इन टर्म्स आर दिस, देन इसे रिड्यूस कीजिए, अब क्या आ जाएगा ये 3m प्लस 3, क्या आएगा 3m प्लस 2, एक एक टर्म्स को कम कर रहे हैं हम, फैक्टोरियल्स खोल रहे हैं, क्या आ जाएगा 1, नेक्स्ट वन क्या आ जाएगी 3m का फैक्टोरियल अपॉन में आपके टर्म कौन सी आएगी m प्लस 1 का क्यूब इनटू में 3m का फैक्टोरियल, अब आपकी ये वाली टर्म रिड्यूस हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, अब आप लिमिट एज इट इज रखेंगे एक बार, अब आपके पास ये टर्म्स लेफ्ट में है, आप यहां से हमारे पास m टेंस टू इन्फिनिटी है तो हम यहां से क्या करेंगे m को बाहर निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपका 3 प्लस 1 बाय m, 3 प्लस 3 बाय m, यहां से क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 बाय m, 3 प्लस 1 बाय m अपॉन में क्या आ जाएगा, यहां से निकालोगे कॉमन m क्यूब को, नीचे से m क्यूब कॉमन निकाल दिया 1 प्लस 1 बाय m क्यूब। अब बेटा जी आप इन सब की वैल्यूज रखेंगे, लिमिट यहां से ये लेफ्ट में रहेगा कि यहां से आपने क्या रखा इन्फिनिटी रखा, 3 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगी टाइम, 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी ये क्या बच जाएगा 1, तो ये क्या आ जाएगा 27, 1 अपॉन r की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r की वैल्यू यहां से आएगी आपके पास 1 बाय 27, दिस इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ओके नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर।